और डिस्टेंस जहां से हम लोग उस बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ होता है उस फोर्स के साथ जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बाद बॉडी क्या करती है स्टूडेंट्स एक्चुअल फॉर्म में रोटेट करती है या उसके अंदर टर्न आ जाता है इसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स टर्निंग इफेक्ट जो के क्या कहलाता है टॉर्क ट को हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है टॉ तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जिसमें एक रेंच की मदद से हम लोग एक नट को ओपन करते हैं नट को ओपन करने के लिए जो रेंच है उसका डिस्टेंस यानी कि उसकी लेंथ मेजर करते हैं और जो उसका पॉइंट ऑफ एक्सिस है जहां पे फोर्स लग रही है उसको मेजर करते हैं इस फोर्स और डिस्टेंस की वजह से हमारे पास बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स टॉर्क अब हम लोग क्या करते हैं रंच को एक हाथ से पकड़ेंगे और उसका जो फेस है वो कहाँ पे होगा नट के ऊपर और जब हम लोग उस नट को घुमाने के लिए फोर्स लगाएंगे और उसका डिस्टेंस को मेयर करें अगर हम लोग तो वह हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स टॉर्क जितना हम लोग क्लोजली इसको पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के क्लोजली अगर हम लोग इसको पकड़ते हैं यानी कि अगर नट से क्लोज हम लोग इसको पकड़ें तो ये क्या होगा इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी और एक्शन कम होगा यानी कि नट देर से खुलेगा और अगर हम लोग इसके जितना दूर पॉइंट से हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे उतने ही आसानी से ये नट ओपन हो जाएगा अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हुए या वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम लोग टॉर्क को कैसे प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट करें अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन एंगल थीटा ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड विद आर एक रॉड है उसकी लेंथ क्या दी गई है हमें आर, और उसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स थीटा उसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं फोर्स एंड विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी के क्लॉक के अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट o एक पॉइंट होगा स्पेसिफिक जिसके girth हम लोग एक रॉड की मदद से फोर्स अप्लाई करते हुए उसको एंगल को घुमाएंगे चीज इस की वजह से हमारा एंगल क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा वो जो रोटेट करेगा किसके अलॉन्ग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस टॉर्क इज एफ साइन थीटा यहाँ भी जो कंपोनेंट है हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा एफ साइन थीटा दस हमारे पास जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होगा आर मल्टीप्लाई बाय एफ साइन थीटा जो क्या है हमारे पास एफेक्टिव कॉम्पोनेंट जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और आर क्या है वो लेंथ है उस रॉड की जिसकी मदद से हम लोग जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं व्हेन द फोर्स एफ इज एक्टिंग परपेंडिकुलर देन इट इज कम्प्लीटली इफेक्टिव टू प्रोड्यूसिंग टर्निंग अगर वो हमारे पास फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो परपेंडिकुलर ही होगी किसके उस रॉड के यानी कि अगर रॉड फ्लैट है हमारे पास और फोर्स उसकी यूं उसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगा स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री इसके दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है हमें वैल्यू वन टॉर्क विल इक्वल टू आर एफ बिकॉज एफ ऑफ वन एफ ऑफ वन वन कहां से आया साइन 90 डिग्री हमें क्या देता है वन तो एफ वन से मल्टीप्लाई होगी सिर्फ आर एफ ही रह जाएगा इफ द फोर्स एफ इज पैर टू द लेंथ ऑफ द रॉड अगर हम लोग कहते हैं कि ये रॉड है और फोर्स भी इसके बिल्कुल है पिछले केस में परपेंडिकुलर थी यानी कि एंगल दरमियान में 90 डिग्री का बन रहा था और अब क्या है फोर्स उसके पैरल है यानी कि दरम्यान में एंगल क्या है हमारा जीरो डिग्री तो क्या होगा टॉर्क बिल्कुल जीरो होगा द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग टॉर्क डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं दस इन वेक्टर फॉर्म द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी स्टूडेंट्स टॉर्क विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ जो कि एक वेक्टर प्रोडक्ट भी है थैंक यू